नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका और आप देख रहे हैं टैक्सेशन गुरुजी। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे जीएसटी सीरीज के, जिसमें कि हम लोगों ने बात किया था एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन के बारे में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट टर्नओवर हम किसे कहते हैं। पहले तो हम सेक्शंस में बात करते हैं कि उस सेक्शन में क्या कह रहा है, यानी कि उसकी हिंदी में बात करते हैं कि उस सेक्शन की क्या डेफिनेशन है जो हम लोग हिंदी में लेमैन लैंग्वेज में समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं एनालिसिस के बारे में, यानी कि उस सेक्शन से क्या एनालिसिस निकलती है, क्या एनालाइज करके हम लोग उसको समझते हैं। तो उसी तरीके से हम लोगों ने बात किया एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में, और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों टैक्सेबल सप्लाईज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन को बताते हुए बताया था कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन, यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर में हम किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं, यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर को देखने के लिए किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, तो उसमें था टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, लेकिन रिवर्स चार्ज में जो सप्लाईज इनवर्ट सप्लाईज हो रही है उनको नहीं किया जाएगा। और साथ ही में उसमें टैक्सेस नहीं इंक्लूड किए जाएंगे, सेस नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो उसके बाद जो बनता था वो था एग्रीगेट टर्नओवर। लेकिन दोस्तों, वहां पे बात की गई थी टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाई को हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर के लिए लेंगे। तो यहाँ पे अब आज हम लोग ये बात करेंगे कि ये टैक्सेबल सप्लाईज किसे कहते हैं, यानी कि हम टैक्सेबल सप्लाईज को इंक्लूड तो करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर के लिए, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर सप्लाई वो टैक्सेबल सप्लाई है या एग्जेम्प्ट सप्लाई है या जीरो रेटेड सप्लाई है या नील रेटेड सप्लाई है। तो उसी के लिए हम लोग वन बाय वन अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना इस डेफिनेशन की और तह में जाने की, इस डेफिनेशन को और डीप में जानने का कि इसमें जैसे कहा गया कि टैक्सेबल सप्लाई क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है, नील रेटेड सप्लाई क्या है। तो उसमें हम लोग इस वीडियो में यही स्टार्ट करने वाले हैं कि टैक्सेबल सप्लाई क्या है, और वन बाय वन हम लोग एक एक करके सभी वीडियोज में इन सबको भी जानेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही वीडियोस लेके आ रहा हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, आपको जितने भी वीडियोस मैं यहाँ बता रहा हूं जो इससे लिंक्ड वीडियोस हैं, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जो आई का बटन दिख रहा होगा वहां पे आपको उस पर क्लिक करते ही आपको वो लिंक्स आ जाएंगे, जो अगर आप वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी वॉच कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक बार फिर से एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन जो कि दी हुई है सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 2 क्लॉज 6 में, उसको रिप्रोड्यूस किया है। यहाँ पे एक बार हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं टैक्सेबल सप्लाईज की तरफ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही सारी चीजें बता दी, फिर भी हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। तो हम लोग ये जानेंगे टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती है, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाई अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि रिवर्स चार्ज क्या होता है, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ अ पर्सन हैविंग सेम पैन नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरेटरी टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले सेक्शन जो कि है सेक्शन 2 क्लॉज 108 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जिसमें कि बताया गया है टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है। पहले हम लोग दोस्तों उसको पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी सिंपल हिंदी जानेंगे, यानी कि वो सेक्शन क्या बोलना चाहता है जो कि हमें उस सेक्शन को पढ़ के समझ आ रहा है। पहले तो हम लोग इन बातों को जानेंगे और उसके बाद जब हम हिंदी उसकी समझ लेंगे तो उसके बाद हम लोग उसमें जानेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, उसको जानेंगे कि वो और क्या क्या बातें उससे निकल रही हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 108 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 टैक्सेबल सप्लाई। तो दोस्तों, इसमें लिखा है टैक्सेबल सप्लाई मींस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच इज लेवीएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। तो दोस्तों, सिंपल सा इसकी हिंदी ये है कि कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है जो कि लेवीएबल है जीएसटी टैक्स के लिए इस एक्ट में, यानी कि टैक्स अंडर दिस एक्ट। और इस एक्ट में टैक्स कौन सा लगता है दोस्तों, इस एक्ट में लगता है सीजीएसटी एक्ट, हम लोग पढ़ रहे हैं तो सीजीएसटी टैक्स लगता है इसमें। तो ये यही बोल रहा है कि कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज या गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई की जा रही होगी जो कि टैक्स के लिए लेवीएबल है इस एक्ट में, तो हम लोग उसको टैक्सेबल सप्लाईज कहेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे ये बात आती है कि आखिर लेवी जीएसटी की आती कैसे है, हम कैसे कहेंगे कि कोई पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स या कोई पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ सर्विसेज या कोई पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ सर्विसेज, वो उसके ऊपर जीएसटी की लेवी आ गई, ये कैसे कहा जाए कि इसके ऊपर जीएसटी की लेवी आ गई। तो दोस्तों, ये बात डिसाइड करने के लिए कि जीएसटी की लेवी आ रही है कि जीएसटी की लेवी नहीं आ रही है, हमें कुछ चीजें, कुछ
कंपोनेंट्स को ध्यान रखना होगा कि ये चीजें अगर कंप्लाई कर रही हैं, ये चीजें अगर एग्जिस्ट कर रही हैं उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, तो हम लोग उसको टैक्सेबल सप्लाई मानेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हमें चेक करना होगा सबसे पहले कि वो जो ट्रांजैक्शन में जिस भी गुड्स या जिन भी सर्विसेज की बात की जा रही है वो गुड्स या सर्विसेज की डेफिनेशन को कंप्लाई करते हो। यानी कि अगर गुड्स है तो गुड्स की डेफिनेशन जो कि अंडर सीजीएसटी एक्ट बताई गई है उसको कंप्लाई करते हो, वो पूरा करते हो उसको कि वो गुड्स बन जा रही हो उस डेफिनेशन से। और अगर सर्विस है तो वो सर्विस की डेफिनेशन से सर्विस बन रही हो। पहली बात तो हुआ कि वो गुड्स या सर्विस होनी चाहिए, दूसरी बात कि वो सप्लाई होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं टैक्सेबल सप्लाई हम किसे कहेंगे, तो टैक्सेबल सप्लाई में सप्लाई होना तो जरूरी है। अगर सप्लाई ही कोई चीज नहीं बनेगी तो हम बात ही क्यों करेंगे ये टैक्सेबल सप्लाई है कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई है कि नील रेटेड सप्लाई है। तो इसलिए सबसे पहले उसको सप्लाई बनना पड़ेगा। यानी सप्लाई की जो मीनिंग है, जो सप्लाई का मतलब बताया गया है सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, उससे जो भी चीजें कंप्लाई कर जाएंगी, उससे जो भी चीजें पूरी हो जाएंगी, उससे होके गो थ्रू हो जाएंगी जो चीजें और पॉजिटिव निकलेंगी यानी कि वो सप्लाई बन जाएंगी, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे फिर आगे देखेंगे। तो दोस्तों मैंने बताया कि आपको सबसे पहले यहाँ चेक करना होगा कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जिसकी बात की जा रही है वो गुड्स है या सर्विस है या नहीं है। अगर वो गुड्स और सर्विस बन जाती है तो उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे कि वो ट्रांजेक्शन सप्लाई है कि नहीं। यानी कि हम लोग जो सेक्शन 7 में दिया गया है मीनिंग सप्लाई का उसको चेक करेंगे कि उसके थ्रू वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई बन रहा है या नहीं। और अगर वो सप्लाई बन जाता है तो उसके बाद दोस्तों हम लोग चेक करेंगे कि सप्लाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो शेड्यूल 3 ऑफ सेक्शन 7 है जिसमें कि अगर हम लोग प्रीवियस लॉ के हिसाब से बात करें यानी कि जो प्रीवियस सर्विस टैक्स था जिसके हिसाब से कि वहां पे कुछ ट्रांजेक्शन बताए जाते थे जिसको कि हम लोग निगेटिव लिस्ट बोलते थे। अगर हम लोग शेड्यूल 3 को निगेटिव लिस्ट रफली लैंग्वेज में बोल रहे हैं, एग्जैक्टली तो निगेटिव लिस्ट नहीं बोले हैं क्योंकि यहाँ पे निगेटिव लिस्ट नहीं नाम दिया गया, लेकिन इनमें ट्रांजेक्शन वही है जो निगेटिव लिस्ट में हुआ करती थी प्रीवियस टैक्स लॉज में। तो दोस्तों अगर और वो ट्रांजेक्शन जो है वो निगेटिव लिस्ट में यानी कि शेड्यूल 3 में फॉल नहीं करनी चाहिए। शेड्यूल 3 में दोस्तों यही बताया गया है कि कौन सी ऐसी सप्लाई होगी जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर हम लोग उन ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे कि वो कहीं सेक्शन 2 क्लॉज 78 यानी कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई में तो फॉल नहीं कर रही। यानी कि जो भी चीज नॉन टैक्सेबल सप्लाई में फॉल कर जाएगी वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं बन सकती। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल चीज मैंने आपको बताई जो आपको हमें चेक करनी होगी टैक्सेबल सप्लाई के लिए। सबसे पहले हमें चेक करना होगी वो गुड्स या सर्विसेज होनी चाहिए, फिर वो सप्लाई की मीनिंग को कंप्लीट करता हो, और उसके बाद फिर वो शेड्यूल 3 में ना आ रहा हो और वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई ना बन रहा हो, तो वो सप्लाई जो होगी वो बन जाएगी टैक्सेबल सप्लाई। तो दोस्तों ये था टैक्सेबल सप्लाई की मीनिंग, टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन, जिसको कि अभी हम लोगों ने बात किया यहाँ पे कि टैक्सेबल सप्लाई कब बनेगी। यानी कि टैक्सेबल सप्लाई बनने के लिए दोस्तों सिंपल सा एक क्रक्स है कि जिसके ऊपर भी अंडर दिस एक्ट यानी कि सीजीएसटी एक्ट में लेवी आ जाएगी जीएसटी की, उसे हम लोग टैक्सेबल सप्लाई कहेंगे। और जीएसटी की लेवी कैसे आएगी, जीएसटी की लेवी आने के लिए उसको गुड्स या सर्विसेज होना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको सप्लाई की मीनिंग को कंप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद शेड्यूल 3 में जो ट्रांजेक्शन बताए गए हैं वो नहीं होना चाहिए, और उसके बाद वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई ना हो, तो हम लोग उसे बोलते हैं कि ये टैक्सेबल सप्लाई हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको टैक्सेबल सप्लाई की मीनिंग डेफिनेशन जो भी मैंने यहां बताया और जो हम लोगों ने यहां एनालिसिस किया वो आपको समझ आया होगा और आपको वीडियो यूजफुल भी लगा होगा। तो दोस्तों इसको प्लीज लाइक करना ना भूलें, और इसके बाद आगे आने वाले जो ट्रांजेक्शन है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, रिवर्स चार्ज, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, इन सभी को हम लोग अभी आगे आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ तक, यहीं तक, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कीजिए टैक्सेशन गुरुजी चैनल को और घंटी बजाइए लेटेस्ट टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।